आज IAS Exchange की कौन सी क्लास होगी? चौथी क्लास। अच्छा जी, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? क्या एक दफा हम लोग जितना भी काम किया है उसको रिकॉल कर लें? तो हम लोगों ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था IAS 16 के हवाले से कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। तो हमने बात की, प्रॉपर्टी का मतलब बोलें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट का मतलब वो सारी मशीनरी जो इस्तेमाल होगी प्रोडक्शन में, और प्लांट वो मशीनरी जो अदर देन प्रोडक्शन इस्तेमाल होगी उसको हमने बोला इक्विपमेंट। फिर हमने बात की IAS 16 का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये स्टैंडर्ड हमें PPE की अकाउंटिंग सिखाता है, और हमने इस बात को इस तरह से भी कहा कि ये स्टैंडर्ड जो है PPE से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको गवर्न करता है, और ये हमें बताता है कि PPE की क्या डेफिनेशन होगी, उसको रिकग्नाइज कराने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, और रिकग्नाइज कराने के बाद उसको जब तुम मेजर करोगे तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फ्यूचर में जब तुम मेजर करोगे तो उसके हवाले से कुछ मॉडल्स का जिक्र हमने किया लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया हमने। एक होता है कॉस्ट मॉडल, दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, यानी कि PPE के हवाले से इन शॉर्ट अगर बोला जाए जो भी अकाउंटिंग होनी है चाहिए रही उसको कौन गवर्न करेगा, बोलिए IAS 16। फिर हमने बात की थी स्कोप, जितनी PPE रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ठीक है जी उस पर ही अप्लाई होगा। फिर हमने साथ साथ बात की कि PPE की डेफिनेशन क्या है। PPE क्या है बेटा? टेंजिबल आइटम है सही है, जिनकी लाइफ एक साल से और बेनिफिट भी हमें एक साल से ज्यादा से मिलेगा। और तो और PPE का इस्तेमाल या तो हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, या तो एडमिन पर्पस के लिए, या तो हम किसी को रेंट पे दे रहे होंगे। यहां पर एक बात की गई कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से IAS 16 जो रेंटल को डील करता है वो प्लांट एंड मशीनरी के रेंटल को डील करता है, बिकॉज IAS 40 किसके रेंटल को डील करेगा? प्रॉपर्टी, यानी कि IAS 40 सिर्फ प्रॉपर्टी के रेंटल को डील करेगा, बाकी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल को कौन डील करेगा? IAS 16। फिर हमने बात की थी रिकग्निशन के हवाले से, दो बातें कि एसेट को एसेट के तौर पे रिकग्नाइज उस वक्त कराया जाएगा जब दो शर्तें पूरी हों, कि उस एसेट से हमें आगे आने वाले वक्तों में इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो क्या होना चाहिए प्रोबेबल, और उसकी कॉस्ट को हम लोग रिलायबली मेजर एस्टिमेट कर सकते हो। फिर हमने बात की थी कि क्या कहते हैं रिकग्नाइज करने के बाद उसको मेजर जब कराया जाएगा तो उसके अंदर कितनी कॉस्ट आएंगी? तीन। एक होगी उसकी परचेज प्राइस, जिसमें हमारे पास लिस्ट प्राइस में क्या ऐड होगा? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज माइनस क्या होंगे? ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने बात की थी कि दो तरह के होते हैं, एक होता है बार्गेन डिस्काउंट और एक होता है बल्क परचेज डिस्काउंट। फिर हमने बात की डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, सर ये वो कॉस्ट है जो कि इनकर की जाती है एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, या ये वो कॉस्ट है जो कि इनकर की जाती है एसेट को डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए, ताकि मैनेजमेंट अब इंटेंशन के मुताबिक क्या कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। फिर हमने इसके अंदर कुछ एग्जांपल ली थी कि LC खुलवाई हमने उसके चार्जेस, हमने इम्पोर्ट कराया उसके चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी हमने वहां पे बात की थी। फिर हमने बात की थी कि एक और कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कि हमने कहा कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसकी ओनरशिप हमें मिलते ही उस वक्त है जब हम अपनी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं कि जब उस एसेट की लाइफ एंड होगी, ये यूज एंड होगा, तो उस एसेट को वहां से हम लोग क्या करेंगे, बोलिए रिमूव करेंगे, और रिमूव करने से पहले उस एसेट का डिसमेंटल करना पड़ेगा, और तो और उस साइट को भी हमने क्या करना पड़ेगा, बोलिए रीस्टोर। ठीक, ये वो कॉस्ट है जो हम फ्यूचर में इनकर करेंगे, ये वो कॉस्ट है जो हम फ्यूचर में इनकर करेंगे, लेकिन इस कॉस्ट का बेनिफिट हमें उस साल मिलना है जिस साल ये हमारा खर्चा होगा, या उसका बेनिफिट हमें उन सारे सालों में मिलना है? सारे सालों में मिलना है। हमने एग्जाम्पल ली थी अभी, आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, मैं भी रिकॉल भी करूंगा।
तो हमने बात की कि वो फ्यूचर कॉस्ट को हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, और जो भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको एसेट की कॉस्ट का हम क्या बना देंगे, बोलिए पार्ट। इस हवाले से हमने जो तीसरी क्लास थी उसका डिस्कशन किया था, बोर्ड पे हमने एक टाइमलाइन बनाई थी और कुछ बातें की थी, उसको हम फिर से दोहरा देंगे। फिर और क्या डिस्कशन था हमारा, फिर हमारे पास सवालात थे और क्या चीज सवाल ही सवाल थे, और कुछ बुक का कंटेंट हमने पढ़ लिया था, फिर निपॉन वाला सवाल हमने किया था, और फिर हमने ग्रिपिंग आईएफआरएस वाला सवाल था वो किया, फिर आईकेप के स्टेटिक्स का सवाल था वो किया, फिर एक पेज 7 पे जो अरमान एंटरप्राइज के नाम से सवाल है वो किया, और फिर हम लोगों ने पेज नंबर 8 पे जो अमार लिमिटेड है वो वाला सवाल किया। ठीक है जी, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 8 पे एग्जांपल डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से अभी कुछ बात की, डिस्कशन फिर से शुरू हो रहा है इसका। ईयर 0, 1, 2, ठीक है जी, फिर हम लोगों ने एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया, एग्जांपल को देखिए आप। ठीक है जी, कब एक्वायर किया, डेट बता सकते हैं आप, 1 जनवरी 2023 को हम लोग ने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया। हमने परचेस प्राइस कितनी पे की है, बोलेंगे 2 मिलियन, डन। हमने डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कितनी इनकर की है, बोलिए 6 लाख। तो बताइए 26 लाख का हमारा उस प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करने में खर्चा हो गया, बोले हो गया। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इस 2600 को, इस 2600 को क्या हम लोग एसेट ट्रीट करेंगे या एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, बोलिए। ये जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया, जिसको एक्वायर करने में परचेज प्राइस मेरी कितनी लगी, कितनी 2 मिलियन, बाकी कितना खर्चा हुआ डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट पे, कितना 6 लाख, तो मुझे कितने का पड़ गया, 2600 का पड़ गया। सवाल ये पैदा होगा कि क्या इस 2600 को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा या बैलेंस शीट में ले जाऊंगा, एज एन एसेट ट्रीट करूंगा, एसेट ट्रीट क्यों सर? इसका जवाब सिंपल सा ये है कि इस 2600 वर्थ की जो चीज आप लेके आ रहे हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें पहले साल भी मिलना है और दूसरे साल भी मिलना है। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग उसको डे वन पे एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, उसको डे वन पे क्या ट्रीट करेंगे, बोले एज एन एसेट, क्योंकि इससे बेनिफिट हमें उस साल नहीं आगे आने वाले सालों में भी हासिल होने हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, जब हमने ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की, मेरे साथ रहिएगा, तो मुझ पे एक ऑब्लिगेशन आई कि आज से इस एसेट की लाइफ यहां पे बताई कितनी है, बोलिए कितने साल बताई हुई है, 2 साल बताई हुई है। जब मैं प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहा था, यानी कि इस पॉइंट पे, सही है, इस पॉइंट पे, तो मुझ पे एक ऑब्लिगेशन आई कि भाई साहब आज से 2 साल बाद जब इस एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी या जब इसका यूजेज एंड हो जाएगा, तो इस चीज का आप एक वादा करें कि आपने क्या करनी पड़ेगी, एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और उस कॉस्ट को नाम क्या दिया, बोलिए, डिसमेंटल करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, यानी कि उस एसेट को क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उस जगह से उस एसेट को रिमूव करना पड़ेगा, और वो जगह जिस जगह पे उस एसेट को आपने इंस्टॉल किया हुआ था, इस्तेमाल कर रहे थे, उस साइट को भी आपने क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। अब अगर आप अपनी इसको अपनी ऑब्लिगेशन मानते हैं तो हम आपको इजाजत देंगे कि इस प्लांट एंड मशीनरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमने अगर इस चीज की ऑब्लिगेशन बुक कर ली तो हमने उसको एस्टिमेट लगवाया, तो कितना खर्चा आपको नजर आ रहा है कि जो होगा, बोलिए 4 लाख। अच्छा जी, ये जो 4 लाख का एक्सपेंस है,
सही है जी, ये आज होगा पे या दूसरे साल? ये पे आज होगा या दूसरे साल? ये पे की बात कर रहा हूं, ये पे आज होगा या दूसरे साल? बोलिए, दूसरे साल। डन। अब मैं यहां पे फिर रुका। इस बात का जवाब लेने के लिए एक दफा मैं फिर से यहां लौट रहा हूं कि 2600 को बेटा तुम लोगों ने अपना क्या ट्रीट किया, एसेट या एक्सपेंस? एसेट। जवाब बड़ा सिंपल दिया, सर इसका बेनिफिट हमें कितने सालों में मिल रहा है? 2 साल में। तो सर ये बेतुकी सी बात हो जाएगी कि हम आज इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लें। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है प्रॉपर कि इसको आज ट्रीट करो एसेट, और फिर जो भी उसकी लाइफ में इस्तेमाल करने से डिक्लाइन आ रहा है स्ट्रेट लाइन या आरबीएम के थ्रू क्या करना पड़ेगा? बोलिए, डेप्रिशिएट। तो हमने इसको क्या किया? बोलो, कैपिटलाइज। डन। अब ये जो 4 लाख का खर्चा है, सही है नहीं, ये तुम कब करोगे? 2 साल बाद। सही है नहीं, 2 साल बाद करोगे। क्या ये वाली बात समझ आई? अब क्या इस 4 लाख को मैं अपने पास एसेट ट्रीट करूं या एक्सपेंस ट्रीट करूं? बोलिए, क्या ट्रीट करूं, एसेट ट्रीट करें या एक्सपेंस ट्रीट करें? सर इस 4 लाख का बेनिफिट, सही है नहीं, हमें होना कितने सालों में? 2 साल। पे कब करना है? दूसरे साल। लेकिन बेनिफिट्स कितने सालों में मिलने हैं? 2 साल। ठीक है जी, तो हम लोग क्या इस 4 लाख को दूसरे साल का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे? नहीं, हम इस 4 लाख को क्या करेंगे, 4 लाख को क्या करेंगे, ये एक फ्यूचर वैल्यू है, सही है जी, इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। किस पे लेके आएंगे? सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। और प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए, ठीक, हम क्या करेंगे बता सकते हैं? हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है तो क्या करें? बोलो, 4 लाख डिवाइडेड बाय रेट कितना दिया हुआ है? 1.1 की पावर, बोलिए 2। बताओ शाबाश, कितना आया? 330 7 8। अब मुझे बताइए ये कितना हो गया? 2 9 5 7 8। ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या कॉस्ट ऑफ एसेट, या कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, 1/1/23 पे प्लांट एंड मशीनरी को कराएंगे डेबिट कितने से? बोलो, 2 9 3 0 5 7 8। ठीक, पैसे कितने हमने दे दिए हैं? 2600। डन। और ये जो 330578 है, ठीक है जी, क्या ये पे हो गया या फ्यूचर में पे होगा? तो इस हवाले से हम लोगों ने अपनी एक लाइबिलिटी बुक कर ली, जिसको नाम क्या दिया हमने, प्रोविजन का, 330578। अच्छा, कुछ साथियों के दिमाग में एक ख्याल आया कि सर हमने आज से पहले प्रोविजन के बारे में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि प्रोविजन क्या होता है? बोलिए, कॉन्ट्रा एसेट होता है, या जिसको हम लोग नेगेटिव एसेट भी बोलते हैं। ठीक, एग्जांपल कुछ याद आ रही है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डाउटफुल डेट्स एटसेट्रास। सर यहां पे जो आपने अभी वर्ड इस्तेमाल किया प्रोविजन का, इधर यहां जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया प्रोविजन का, तो क्या ये कॉन्ट्रा एसिड है, नेगेटिव एसिड है, या ये कुछ और है? यहां बेसिकली प्रोविजन का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है? एक ऐसी लाइबिलिटी, सही है, जो अनसर्टेन हो। किस हवाले से? टाइमिंग और अमाउंट के हवाले से। प्रोविजन क्या है? एक तरफ तो कॉन्ट्रा एसेट,
और दूसरी तरफ प्रोविजन क्या है बोलिए, लाइबिलिटी। तो इसका मतलब हम लोगों ने प्रोविजन का वर्ड आज से पहले जो इस्तेमाल किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। तो यहां पे जो हम आईएस 16 में प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इधर, तो क्या ये कॉन्ट्रा एसिड है, नेगेटिव एसिड है? नहीं सर, ये कॉन्ट्रा एसिड या नेगेटिव एसिड नहीं है, ये बेसिकली प्रोविजन जो है वो क्या है बोलिए, एक लायबिलिटी है, और एक ऐसी लायबिलिटी जो टाइमिंग और अमाउंट के हवाले से बोलिए क्या है, बोलो, अनसर्टेन। सर एक बात तो बताएं, आपने कहा कि ये 4 लाख का खर्चा जो है ये कब होगा, बोलिए, दूसरे साल। क्या ये वाली बात समझ रही? ये जो 4 लाख है ये एक्यूरेट है या एस्टीमेट? एस्टीमेट। क्या ये वाली बात समझ रही? तो जब इस 4 लाख के अंदर एस्टीमेट का इंपैक्ट या एलिमेंट मौजूद है, ठीक, तो हम लोगों ने इसके लिए जो एप्रोप्रिएट अल्फाज इस्तेमाल किया वो कौन सा किया, बोलिए, प्रोविजन का। तो प्रोविजन जो है एक तरफ तो कॉन्ट्रा एसिड है या नेगेटिव एसिड है, और दूसरी तरफ प्रोविजन किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा वर्ड, लायबिलिटी, और एक ऐसी लायबिलिटी जो अमाउंट के हवाले से या टाइमिंग के हवाले से उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद होगा, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी सर यहां पे क्या है, हमें एक बात तो कंफर्म है कि दूसरे साल हमने ये अमाउंट पे करना है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर क्या ये अमाउंट 4 लाख का एक्यूरेट है या एस्टीमेट है? एस्टीमेट। एस्टीमेट है तो इसका मतलब इसके अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल होगा। तो एक ऐसा अमाउंट जिसकी अदायगी हमने करनी है आगे आने वाले सालों में और उसके अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट मौजूद है, तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होगा वो पेबल्स का इस्तेमाल नहीं होगा अल्फाज, वो अक्रूवल्स का नहीं होगा। तो अल्फाज इस्तेमाल कौन सा होगा, बोलिए, कौन सा इस्तेमाल अल्फाज होगा, बोलिए, प्रोविजन का। तो प्रोविजन जो है वो एक लायबिलिटी है, और एक ऐसी लायबिलिटी जो टाइमिंग के हवाले से या अमाउंट के हवाले से, ठीक, क्या हो, बोलिए, अनसर्टेन। बेसिकली ये जो लायबिलिटी का जिक्र है ये आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आप इंशाल्लाह FAR 2 में जाएंगे, और वहां पर एक स्टैंडर्ड आएगा IAS 37। हमारे कोर्स में अभी ये नहीं है मौजूद, लेकिन चूंकि एक अल्फाज हमारे पास आया, कौन सा वाला, बोलो, प्रोविजन वाला, तो इस चीज को बिल्कुल वाजे रखने के लिए कि प्रोविजन बैड डेट डेप्रिसिएशन वाला अलग चीज है, और यहां पे जो प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इसका मीनिंग कुछ और है, और इसकी डिटेल आपने इंशाल्लाह FAR 2 में जब IAS 37 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट्स वगैरह, तो वहां पर इसकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। डन हो गया नंबर वन। अब देखें ईयर वन के एंड पे जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, बोलो, शाबाश, एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां पे मैं प्रोविजन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूं, सही है जी। अब देखो बेटा, प्रोविजन दे रहा, प्रोविजन दे रहा, इस प्रोविजन का मीनिंग है, बोलो, लायबिलिटी, और ये जो प्रोविजन है वो क्या है, कॉन्ट्रा एसेट। आई होप सो आपको बात समझ आई, ठीक। प्रोविजन बोले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, बताओ शाबाश कितना आएगा, लाइफ कितनी है, बोलिए, 2 साल। तो 2930578 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 साल, तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1465289 ये हुआ दूसरा काम। अब एक बात बताएं कि हम लोगों ने वो अमाउंट जो पे करना है, ठीक, वो कितना है, बोलेंगे शाबाश, 4 लाख, और हमने आज अपने पास जो रिकॉर्ड किया है वो 4 लाख पे किया है या हमने कितने पे किया है, 330578, यानी कि यहां से यहां तक का हमने एक सफर तय करना है, ऐसा है कि नहीं है। हम लोगों ने एक अमाउंट जो फ्यूचर में पे करना है वो कितना है, बोलो, 4 लाख। हमने क्या किया, 4 लाख, और डिस्काउंट रेट की मदद से हमने क्या मालूम की है, बोलिए, बोले, प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड तो कर लिया, ठीक। अब वक्त गुजरेगा तो इसका मतलब उस अमाउंट की अदायगी जो हमने करनी है वक्त और करीब आते जाएगा, ये वाली बात समझ आई। अब बताइए 330578 पे हम लोगों ने अपनी डे 1 पे लायबिलिटी रिकॉर्ड की, और हम देख रहे हैं कि वक्त गुजर रहा है
तो उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का वक्त और करीब आ रहा है। तो आई 16 हमें ये कहता है, इसको यूं अज्यूम करो, आई 16 हमें कहता है इसको यूं अज्यूम करो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई 16 कहता है इसको तुम यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा था जो तुम पे ड्यू हो चुका था लेकिन तुमने इसको पे नहीं किया। आई 16 कहता है कि तुम इसको यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा था जो तुम पे ड्यू हो गया था लेकिन तुमने इसको पे नहीं किया। तो जब पे नहीं किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। एक ऐसा खर्चा जो तुम पे ड्यू हो चुका था और तुमने इसको पे नहीं किया, तो जब पे नहीं किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। आपको बात समझ आई? इसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। ये कुछ बड़े तगड़े अल्फाज हैं जो कि मैं आपको बार बार रिपीट करके जहन नशीन कराना चाह रहा हूं। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? तो मैंने बोला हाँ सर लगेगा, ठीक, क्योंकि अमाउंट फ्यूचर में पे करना है। मैंने इसको रिकॉर्ड किया मैं किस पे? प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक। तो एक ऐसा खर्चा है जो मुझ पर ड्यू हो चुका है और पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। तो आई 16 ने बोला भाई लगेगा, तो इसको तू रिकॉर्ड कर। क्या ये वाली बात समझ रही? इसको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 31/12/23 को मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा, सही नहीं? इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा। आप बता सकते हैं इंटरेस्ट किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? बताएंगे? शाबाश। किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? 330578 का आप डिस्काउंटेड का कितना दिया हुआ है? 10% लीजिए, कितना आया? 330058। एक्सपेंस डेबिट करा दिया और प्रोविजन को हम लोग क्या करेंगे? 330058 से अपने प्रोविजन को भी बढ़ा देंगे। अभी जरा रुकिएगा, ये कहानी हुई पहले साल की। अब मैं गया दूसरे साल पे, दूसरे साल पे, दूसरे साल में आप मुझे बताइए 31/12/24 को क्या काम होना है? सर डेप्रिसिएशन आएगा, कितना आएगा? बोले शाबाश। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट बताओ। शाबाश, कितना? वही वाला जो पहले साल था, कितना? 146 5 2 8 1 4 6 5 2 8 मुनासिब कर लिया, डन। अब मुझे बताइए एक साल गुजर गया, डे वन पे, भाइयों बहनों बात सुनो, डे वन पे मैंने अपनी लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की? बोले इतनी। वक्त गुजरा, ठीक, वक्त और करीब आ गया, ठीक है जी, एक साल गुजर गया, वक्त मतलब और करीब आ गया उस अमाउंट जिसकी तुमने अदायगी करनी है। किस अमाउंट की अदायगी करनी है? 4 लाख, सही है जी। तो तुमने क्या किया? अपने पास ईयर एंड पे अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया, ये शो करने के लिए कि पेमेंट का वक्त और करीब आ गया है, सही है जी। इस प्रोसीजर को अकाउंटिंग में हम लोग नाम देते हैं, जो नाम देते हैं वो छोड़ें, सही है जी, इस प्रोसीजर को चले नाम बता देता हूं, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का। ये बात अगर नहीं भी लिखते नो प्रॉब्लम, आपने इसको क्या अल्फाज के थ्रू अंडरस्टैंड करना है कि एक ऐसा खर्चा था बहनों भाइयों जो हम पे ड्यू हो चुका था और हमने पे नहीं किया। जब हमने पे नहीं किया तो सर इंटरेस्ट तो उसके ऊपर लगेगा। आई 16 ने बोला जब तुम्हें ये बात समझ आ गई इंटरेस्ट तो लगेगा, तो भाई आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। आपने पूछा कैसे रिकॉर्ड करें? उसने बोला एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? वो अमाउंट जिसको तुमने पे करना है, सही है जी, उसमें क्या हो रहा है? बोलिए, इजाफा, क्योंकि डे वन पे तुमने इसको किस पे रिकॉर्ड किया था? फ्यूचर वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। तो तुमने हर साल क्या करना होगा? अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना होगा, ये शो करने के लिए कि पेमेंट का वक्त और करीब आ गया है। इसको प्रोसीजर को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का नाम देते हैं। नाम अगर नहीं भी लिखते, इस प्रोसीजर को आप समझ लें, इस ट्रीटमेंट को समझ लें, तो हमने क्या किया? अपने पास एक्सपेंस को बढ़ाया और प्रोविजन को बढ़ा दिया। ये भी प्रोविजन बेटा क्या है? बोले लाइबिलिटी है। ये प्रोविजन क्या है? बोले शाबाश। इस चीज का फर्क बताना बड़ा जरूरी था, जिसको मैं समझता हूं बड़ा जरूरी, बिकॉज आप प्रोविजन का वर्ड आज से पहले इस्तेमाल किया, फिर से कर रहे हैं। तो ये नहीं हो कि हम अपने माइंड में बना लें कि सर प्रोविजन जो है वो तो कॉन्ट्रा एसेट होता है, तो यहां भी क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है, लेकिन यहां पे कॉन्ट्रा एसेट नहीं है, यहां पे क्या है? बेसिकली लायबिलिटी है। ये वाली बात समझ रही? एक ऐसी लायबिलिटी जिसके अंदर क्या शामिल होगा? बोले क्या शामिल होगा? अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल होगा। अनसर्टेनिटी किस हवाले से?
सर अमाउंट के हवाले से या टाइमिंग के हवाले से या दोनों के हवाले से? अगर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है ठीक, तो उसके लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होगा? बोलो, प्रोविजन का। अब यहां पे आइए 31, 12, 24 पे। मैंने क्या करना है, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कराना है और अगेन प्रोविजन को क्या करना है, बोलिए, क्रेडिट। एक बात बताओ, पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो किस पे लगा? 330578। तो अगले साल भी 330578 में लगेगा? नहीं सर, होगा क्या, 330578 में वो जो पिछले साल वाली लायबिलिटी थी ईयर एंड पे, उनको क्या कराया जाएगा? ऐड। और ऐड कराने के बाद जो भी टोटल आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा, बोलिए, 10%। यहां पे देखो जरा, बताओ 330578 प्लस, बोले 3305, बोले 8, ये जो भी आ गया मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 10%। बताओ बेटा कितना आया? 3633. अब सुनिए इधर भाइयों बहनों, ये कुछ थोड़ी सी बात समझ आई। अब देखो यहां पे स्पेस नहीं है, ये वाला एरिया ले रहा हूं, 31, 12, 24 को। अब ये वो अमाउंट है जो मैंने क्या करना है, बोलिए, डिसमेंटलिंग के लिए, उस जगह से उस एसेट को रिमूव करने के लिए, उस जगह को रीस्टोर करने के लिए अब मेरे पास से कैश आउटफ्लो होना है। अब आप बताइए पैसा मेरे पास से कितना जाएगा, शाबाश, कितना जाएगा, बोलिए, 4 लाख। ठीक है जी, कितना जाएगा, बोले, शाबाश, 4 लाख। एक बात सुने, कैलकुलेटर उठाइए, 330578 डे वन पे लाइबिलिटी थी, डन। पहले साल के एंड में लाइबिलिटी कितने से बढ़ी, बोलो, 330058, डन। फिर देखिए मजीद लाइबिलिटी कितने से बढ़ी, 36363। तो प्रोविजन को अगर हम टोटल करते हैं तो हम कहां तक पहुंच गए, बोलिए, 4 लाख। तो इसका मतलब 31, 12, 24 में हमारे पास से पैसा कितना जाएगा, 4 लाख। और वो जो हमारी लाइबिलिटी हमने हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी थी वो कितने पे पहुंच गई है, बोलिए, 4 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, उस लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास से डिसमेंटलिंग के लिए, उस जगह से उस एसेट को रिमूव करने के लिए और उस साइट को रिस्टोर करने के लिए अब हमारे पास से पैसे का आउटफ्लो होगा। क्या ये वाली बात समझ रही? जल्दी से काम कॉपी कर लें, फिर अभी थोड़ा सा एक डिस्कशन करूंगा मैं। एक अल्फाज होता है पेबल्स, एक अल्फाज होता है अक्रूवल्स और एक अल्फाज होता है प्रोविजन। मैं इनका एक छोटा सा डिस्कशन करके फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, रजिस्टर में उसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लें कौन सी चीज किसके बाद आई है, क्योंकि बोर्ड में कुछ चीजें कोने पे हैं, कुछ सेंटर में। लेफ्ट वाला एरिया अगर कॉपी कर लिया है तो मैं एक एग्जांपल बोर्ड पे देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल करें, एक्यूमुलेटेड का करें, एक और भी अल्फाज होता था याद है, जरा जोर से बोलेंगे कौन से एक अल्फाज था, एक मजीद अल्फाज था जो हम इस्तेमाल करते थे, बोलिए, प्रोविजन स्लैश अलाउंस, ठीक, या एक्यूमुलेटेड, डन हो गया। फिर ये वाली बात समझ आई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, मैंने जान के लिख दिया लाइबिलिटी। फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस या प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, ये भी प्रोविजन कौन सा वाला है, लाइबिलिटी वाला, लाइबिलिटी वाला। फिर 31, 12, 24 को पेमेंट का वक्त आ गया है कि हमने क्या करना पड़ेगा, डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, रिमूवल करना पड़ेगा और साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, तो खर्चा होगा, हमारे पास से पैसा कितना जा रहा है, 4 लाख। और प्रोविजन जो लाइबिलिटी के तौर पे हमने वक्तन फवक्तन रिकॉर्ड किया था, एक रिकॉर्ड किया था डे वन पे, फिर ईयर वन के एंड पे, फिर ईयर टू के एंड पे, तो उन सबको इकट्ठे किया हमने, तो वो बन कितना गया अमाउंट, तकरीबन 4 लाख ही बन गया। तो 4 लाख से प्रोविजन डेबिट हो जाएगा और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। 1/1/20 पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, परचेज प्राइस रुपीस, लेट्स सपोज 50 मिलियन,
direct attributable cost, let's suppose 20 million. Dismantling cost, 2 B. Incurred rupees 10 million, life of asset is 2 years इसलिए ले रहे हैं ताकि काम जल्दी से शुरू और खत्म हो जाए, अदरवाइज वो 3-3, 5-5, 10-10 साल फजूल टाइम वेस्टेज हो जाएगा. डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन, यानी कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन इतनी होगी, अज्यूमिंग 12%. रिक्वायरमेंट में जर्नल्स फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2. जल्दी से ये ट्राई कीजिए. नो, एक सवाल ये आ रहा है कि सर ये जो 1465 28 जो आया, ठीक, ये आपने कैसे लिया? ये इसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया, 1465 28 9 28 9. हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि 2 साल एसिड की लाइफ थी. जल्दी से बनाइए इसके जर्नल्स. जी बच्चों बताओ बेटा के 1120 पे 12%, वाजे है 12%. जी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, प्रोविजन जो लाइबिलिटी है, ठीक, क्रेडिट कितने से? 10 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर, बोलिए 2. पैसा कितना गया? 70, ठीक है, 7.97. ये कितना हो गया? 77.97 31/12/20 पे. डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन या अलाउंस या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. हाँ जी बताओ कितना आया? डिवाइडेड बाय 2 कर लें, कितना बना? 38, राउंड कर लें, 39 कर लेते हैं, 39, ठीक है जी. अब बताइए एक और काम, हमने फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर वैल्यू जो थी उसको डिस्काउंट करके तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी. साल गुजरा, इसका मतलब अदायगी के वक्त मजीद करीब आया. हम क्या करेंगे? अपनी लायबिलिटी को बढ़ाएंगे. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, कैसे? 7.97 का 12%, 0.9564. मजीद आगे बढ़ें, दूसरे साल पे आइए, 31/12/20
21 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहें, प्रोविजन कहें, अलाउंस कहें, एक बात 39 और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 7.97 प्लस 0.9564 का 12% 1.07 और फिर 31/12/21 पे वो जो प्रोविजन हमने रिकॉर्ड किया डिफरेंट टाइमिंग्स पे, एक रिकॉर्ड किया 1/1/20 पे, फिर दूसरा किया 31/12/20 पे, फिर थर्ड टाइम रिकॉर्ड किया हमने 31/12/21 पे। 1 जनवरी, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, इन तीनों को जब सम अप किया तो बन कितना गया जी? अप्रॉक्स 10 मिलियन ही आ रहे हैं ना, 9.9। वो सिर्फ वजह क्या है, डिफरेंस आपको भी पता है क्योंकि हमने डिसिमल्स में काम किए। कितना बन गया बेटा? 10 मिलियन और कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10 मिलियन। एक ऐसे ही डिस्कशन हम कर रहे हैं लायबिलिटी के हवाले से। एक होता है पेबल, एक होता है अक्रूवल्स और एक होता है वर्ड प्रोविजन का। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ये वो अल्फाज हैं जो आप आज से पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। शौकिया नहीं बता रहा, लेकिन चूंकि हमारे पास इन तीनों अल्फाजों का इस्तेमाल आज से पहले, कौन से दो अल्फाजों का इस्तेमाल हमने किया है PRC4 की अगर आप बात करें, पेबल्स का, अक्रूवल्स का, प्रोविजन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका मीनिंग कॉन्ट्रा एसेट था, लाइबिलिटी नहीं था, दैट वॉज इन PRC4। लेकिन लाइबिलिटी में हमारे पास एक वर्ड कौन सा आ रहा है बेटा? पेबल्स का। दूसरा कौन सा आ रहा है? अक्रूवल्स का। तीसरा कौन सा आ रहा है? प्रोविजन का। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स? हाँ जी, क्या कोई डिफरेंस है इन तीनों में? सर एक बात तो कॉमन है कि वो क्या है बोलिए, लाइबिलिटी। डन। ए लेवल्स वालों ने तो कई दफा इस्तेमाल भी किया होगा प्रोविजन का वर्ड इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो कभी सोचा कि कोई तो डिफरेंस है या नहीं है? पेपर्स में आपको वैल्यू और टाइम पता होता नहीं कब देना है, इसमें आपको सिर्फ टाइम पता होता है लेकिन वैल्यू नहीं पता होती, एस्टिमेटेड होती है। अच्छा, और अक्रूवल्स में एक बेसिक बुनियादी सवाल है कि द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट और टाइमिंग्स। थैंक यू। आपने माल खरीदा है 10,000 का 30 दिन के उधार पे, माल खरीदा आपने 10,000 का 30 दिन के उधार पे, तो बताओ कितने टाइम में अदायगी करनी है? बोले 30 दिन। कितनी अदायगी करनी है? 10,000। क्या अमाउंट और टाइमिंग में कोई अनसर्टेनिटी है? बोले नहीं। अक्रूवल्स, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, ठीक, एक एस्टिमेट आपने, जैसे कि आजकल हमारे घर में हम, इनफैक्ट मेरे अब्बा जब थे तो वो चेक कर रहे होते थे कि कितने यूनिट्स गिर चुके हैं, अब वो सारा काम जो है वो हम पे ही आ गया, क्योंकि हमने देखना होता है कि जिस तरह से AC इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी चीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, तो यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक एस्टिमेट हमारा होता है, और जिस डेट पे मीटर रीडर आया होगा, उसने रीडिंग की होगी, तो उसने अपने हिसाब से यूनिट एस्टिमेट किए होंगे, सही, जो आ रहे होंगे वही उसने अपने पास नोट किया होगा। मेरे उन यूनिट्स को देखने का टाइमिंग कुछ और होगा, उसका हो सकता है कुछ और हो, इसके दरमियान में हो सकता है 2-4 यूनिट मैंने ज़्यादा चार रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसने हो सकता है 2-4 यूनिट कम रिकॉर्ड कर लिए हों। अब मुझे बताइए कि जो बिजली का बिल जो मैंने एस्टिमेट किया हुआ है, अभी आया नहीं है, जो मैंने एस्टिमेट किया है, जो एक्चुअल आएगा, क्या उसके अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? होगा।
मैंने एस्टिमेट किया लेट्स सपोज 600 यूनिट, ठीक, और जो मेरे पास बिल आया वो 595 यूनिट्स का आया, या हो सकता है मैंने एस्टिमेट किया 600 यूनिट लेकिन बिल आया 610 या 12 या 15 यूनिट का, तब आप मुझे बताइए क्या अक्रूवल्स के अंदर अनसर्टेनिटी होती है या नहीं है? सच बताना, अक्रूवल्स के अंदर अनसर्टेनिटी होती है या नहीं होती? होती है। अब सुनो बेटा, अक्रूवल के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट, जोर से बोलना, क्या होता है? इमटीरियल। अनसर्टेनिटी अक्रूवल्स में होती है लेकिन वो क्या होती है? इमटीरियल, ठीक, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूवल्स बोलते हैं। ये नहीं है कि सर मैंने जेब से निकाला, पेबल जेब से निकाला, अक्रूवल एक ही बात है। लाइबिलिटी तो है, लेकिन पेबल्स का वर्ड आज के बाद मैं कब इस्तेमाल करूंगा? जब अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से मैं क्या होऊंगा, बोलो, सर्टेन। अक्रूवल्स वर्सेस प्रोविजन, मैं दोनों अल्फाजों का इस्तेमाल कब कर सकता हूं? जब अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट इमटीरियल होगा, ठीक, तो मैं पेबल्स नहीं बोलूंगा, मैं प्रोविजन नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, बोलो, अक्रूवल्स। तो अक्रूवल लाइबिलिटी है, ठीक, जिस तरह से पेबल लाइबिलिटी है, पेबल लाइबिलिटी है, अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से क्या है, बोलिए, सर्टेन। अक्रूवल जो लाइबिलिटी है, अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से क्या है, बोलो, अनसर्टेन। हो सकता है बिल 10 तारीख को आए, 12 तारीख को आए, यार कितना दिन का डिले हो जाएगा, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक, तो इसका मतलब टाइमिंग के हवाले से अनसर्टेनिटी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, ना अमाउंट के हवाले से अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा नहीं है। जो भी अनसर्टेनिटी है वो क्या है, बोलो, जोर से बोलना, इमटीरियल। तो अक्रूवल इज अ लाइबिलिटी, सही है जी, अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से क्या है, बोलो, अनसर्टेन, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है, बोलिए, इमटीरियल, तभी उसको क्या बोलेंगे, अक्रूवल्स। अब एक तीसरी बात करने का तुक बनता नहीं था, लेकिन चूंकि आई 16 में प्रोविजन का जिक्र तस्करा आ गया, ऑल्दो इसका डिटेल डिस्कशन कहां पे होगा, FAR2 में, आई 37 में होगा, लेकिन प्रोविजन का वर्ड हमारे सामने आ गया ना, तो जब हमने दोनों का डिफरेंस देखा कि प्रोविजन डेप्रिसिएशन बैड डेट वाला क्या था और यहां पे क्या है, तो हम प्रोविजन को भी समझते हैं कि प्रोविजन भी क्या है, बोलो, लायबिलिटी है। अब जवाब देखना आप खुद ही दे देंगे, प्रोविजन इज ऑल्सो ए लायबिलिटी, टाइमिंग और अमाउंट के हवाले से ये भी क्या है, बोलो, अनसर्टेन, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट क्या होगा, मटीरियल, ठीक है जी। जब अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट क्या होगा, मटीरियल होगा, तो मैं यहां पे वर्ड पेबल तो यूज ही नहीं कर सकता, मैं यहां पे अक्रूवल्स का वर्ड यूज ही नहीं कर सकता, मैं यहां पे वर्ड यूज कौन सा करूंगा, बोलिए, प्रोविजन का। तो सर मैं प्रोविजन का वर्ड कब इस्तेमाल करूं, अक्रूवल्स का कब करूं? यार अक्रूवल भी अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट लेके बैठा हुआ है और प्रोविजन भी अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट लेके बैठा हुआ है। अब ये तुम तय करो कि अनसर्टेनिटी किस में मटीरियल है और किस में इमटीरियल है। अगर अनसर्टेनिटी अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से इमटीरियल है, तो भाई प्रोविजन मत बोलो, क्या बोलो, अक्रूवल्स, और अनसर्टेनिटी टाइमिंग या अमाउंट के हवाले से क्या है, बोलिए, मटीरियल, तो वहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, प्रोविजन का। क्या ये वाली बात समझ आई? ये एडिशनली हमने बात को थोड़ा सा समझ लिया, ऑल्दो ये अल्फाज हमने पहले भी सुने थे, देखे थे, आज कुछ क्लैरिटी इसकी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बताऊंगा मटीरियल इमटीरियल, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन। सवाल ये किया गया सर ये मटीरियल और इमटीरियल का फर्क क्या है, एक ऐसी बात जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर है उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अगर मुतासिर हो जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या तस्वीर की जाएगी, मटीरियल। और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अफेक्ट नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, दिस इज इमटीरियल। क्या ये वाली बात समझ आई? सर हमारी फैक्ट्री में जो गोडाउन था वहां पे जो माल पड़ा हुआ था वो डैमेज हो गया, लेकिन नुकसान ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, छोटा मोटा नुकसान है, तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा उसके लिए ये बात इतनी अहमियत नहीं रखती होगी, क्योंकि छोटा मोटा नुकसान तो हो जाता है। सर पूरा गोडाउन जल के राख हो गया, सर ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, बोलिए, मटीरियल। क्या ये वाली बात समझ आई? सर छोटी मोटी चोरी चकारी हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर से ऐसे कंसर्न नहीं है। सर वो हमने बैड डेट की रिकवरी करनी थी, वो कस्टमर हमारा पूरा पैसा लेके भाग गया, और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है, बिलियंस में है, मिलियंस में है, तो सर ये बड़ा एक क्या है, इंपैक्ट शो कर रहा होगा, तो ये क्या है, मटीरियल। सर छोटी मोटी अगर वो रिकवरी नहीं हुई तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इमटीरियल।
तो बेटा बात सुनो, मटीरियल वर्सेस इमटीरियल। मटीरियल का मतलब क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अगर अफेक्ट हो जाए, दैट इज मटीरियल, और नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमटीरियल। तो पेबल इज अ लायबिलिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइमिंग, क्लियर। Accruals is a liability of uncertain amount or uncertain timing, but uncertainty is what? बोले immaterial. जहां पे uncertainty क्या होगी बोलिए? Uncertainty जहां पे क्या होगी? Uncertainty अगर होगी material, तो उसके लिए अल्फाज कौन सा इस्तेमाल होगा बोलिए? Provision. तो यानी कि इसमें क्या है? Uncertainty है, क्या है? इमटीरियल। और यहां पे क्या है? क्या है? जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस आपके सामने ये बात आई और मेरे ख्याल से कुछ कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा जी, आगे बढ़े, पेज नंबर 9 पे आ जाइए। ये बस हैंडआउट कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा जो मिशन है वो कॉस्ट मॉडल की भाग दौड़ है, और कॉस्ट मॉडल की भाग दौड़ के बाद फिर हमारा शुरू होगा रिवैल्यूएशन मॉडल। तो भाई ये छोटी भाग दौड़ नहीं है, बहुत लंबी है ये। और अब तो सेशन का जो दौरानिया है वो भी कम कर दिया गया है, तो समझे वैसे ये अगर सारे पास पेपर्स वगैरह हम कम्प्लीट करते हैं तो ये 20 घंटे तो कहीं भी नहीं जाते, 20 घंटे। और आधे पास पेपर मैं करा दूं, बाकी आप आधे कर लें तो समझो टाइम आधा हो जाएगा। अब वो आपकी अपनी कॉल है। अच्छा जी, आगे बढ़िए, पेज नंबर 9, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन एक्वायर्ड एसेट। इस काम को जरा जल्दी से निपटा लेते हैं, पता नहीं टाइम इतना तेजी से क्यों जाता है। अच्छा एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को मैं जरा स्किप करता हूं। हेलो, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक, इसको हम स्किप करें और हम चले जाते हैं सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर को भी स्किप करते हैं। सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट पे जब आगे आने वाले सालों में खर्चा होगा तो या तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे, या तो क्या करेंगे? कैपिटलाइज। तो पेज नंबर 9 पे जो भी काम है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगर हमारे पास टाइम बच गया। कौन से काम करने के बाद? एक्सचेंज ऑफ एसेट डिस्कस करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बच जाता है, सही है, तो हम ये वाला एरिया डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। आप खुद भी रीड आउट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी क्योंकि इसमें ऐसा नया कुछ है नहीं समझाने का। सही जी, तो पेज नंबर 9 और 10 थोड़ा सा रुक के डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और पेज नंबर हम लोग अभी पहुंच रहे हैं पेज नंबर बोले 11, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अच्छा बेटा कॉपी भी नहीं कीजिएगा, पहले मैं यहाँ पे कुछ बोर्ड पे वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक, और उसके बाद फिर मैं ये जो भी मैंने केस 1, 2, 3 बताया है उसकी चीजें नोट डाउन कर लेंगे। ओल्ड एसेट है, एक्सचेंज से बात समझ के आ रही है कि एक एसेट हम दे रहे हैं उसके बदले दूसरा एसेट हम लोग ले रहे हैं। ओल्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें आप, उसकी कॉस्ट हमने अज्यूम की 70,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने ले लिया 30,000। वो बातें जो मालूम है मुझे कि आपको पता है, तो उसमें हम बात ज्यादा कर भी नहीं रहे। सर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट? नेट बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू या कैरिंग वैल्यू? कितनी आगे? 40,000। सीवी क्या है? कैरिंग वैल्यू, सही है, कैरिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू और नेट बुक वैल्यू। अब मुझे बताएं, ये तो बात हमें समझ आ गई, जो ओल्ड एसेट है उसकी फेयर वैल्यू अज्यूम कर ली गई है 48,000। न्यू एसेट जो है
उसकी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है वो है 85,000, और ये जो वैल्यू है ये क्लियरली एविडेंट है। सर इसका मतलब क्या हुआ? वाजे है, क्लियर है, एक ऐसी वैल्यू जिसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक, तो उसका मीनिंग यहां पे क्या हमने लिया? एविडेंट का मतलब वाजे, एविडेंट का मतलब क्लियर है, एविडेंट का मतलब जिस वैल्यू को हम लोग वेरीफाई करा सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पुराना एसेट हम दे रहे हैं और नया एसेट हम लोग ले रहे हैं, पुराना एसेट हम दे रहे हैं और नया एसेट हम ले रहे हैं, पुराने एसेट की जो फेयर वैल्यू है उसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं, ठीक, लेकिन एविडेंट नहीं है। मेजर की तो जा सकती है लेकिन वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, इतनी आसानी से वेरिफाइबल नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन। तो अब देखें यहां पे हम लोग का जो टारगेट है, जो टास्क है, वो ये कि पुराना एसेट जो तुम दे रहे हो बदले में तुम नया एसेट जो लेके आ रहे हो, ये जो हेडिंग डाली है हमने लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम यहां पे ये देखने वाले हैं कि पुराने एसेट के बदले जो नया एसेट आ रहा है उसको हम लोग कितने से डेबिट करेंगे। यहां पे ये अभी डिस्कशन है, पुराना एसेट जा रहा है ठीक, नया एसेट जो आ रहा है उसको तुम अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने से डेबिट करोगे, ये अभी डिस्कशन है। आर वी क्लियर? उस पुराने एसेट को बेच के नया एसेट लेके आए, गेन हुआ या लॉस हुआ, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है जो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डिस्कशन क्या हो रहा है मैं क्लियर कर दूं कि जो नया एसेट आ रहा है उसको तुम अपनी बुक्स में कितने से डेबिट करोगे, ये अभी मौजू है। अब देखें, पुराने एसेट की कॉस्ट है 70,000, अलाउंस है 30,000, तो बुक वैल्यू आगे कितनी? 40,000। जो पुराना एसेट है उसकी मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, सही है, जिसको हम मुनासिब अंदाज से मेजर कर सकते हैं, वो कितनी है? 48,000। और जो नया एसेट हम लेना चाह रहे हैं वो कितने का है बोलिए? सप्लायर कहता है भाई 85 का एसेट है, 85 में दूंगा, लेना है लो, नहीं तो आपकी मर्जी। तो इस सिचुएशन में जब एक फेयर वैल्यू बहुत एविडेंट है, मार्केट वैल्यू बहुत एविडेंट है, वाजे है, क्लियर है, वेरीफाइबल है, सप्लायर कहता है कि भाई 85, मिसाल के तौर पे 85 का एसेट है, मैं 85 में ही दूंगा, लेना है लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो आईएस 16 आया, उसने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो तुम इस एसेट को जो तुम एक्वायर कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ठीक, तुम क्या लोगे? सही नहीं? वो कहता है, उसने कहा कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट इज एविडेंट, ठीक, तो तुम क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, बोलिए, एक्वायर्ड, मतलब कितनी आ रही होगी? बोले 85,000। ये कब का सिनेरियो है जब फेयर वैल्यू एक्वायर्ड एसेट की क्या होगी? बोलिए, एविडेंट। अब देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज एविडेंट, तो हम यहां पे क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज बोले तो जर्नल्स बनाना, ठीक, रिकॉग्नाइज सॉरी एसेट एक्वायर्ड एट, बोले फेयर वैल्यू। मुझे पहले तीनों सिनेरियोस कराने थे, फिर मजीद बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इस सिचुएशन में क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ, बोलिए, एक्वायर्ड एसेट। दूसरा सिनेरियो दूसरा सिनेरियो ओल्ड एसेट कॉस्ट आपने ले ली 70,000,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने ले लिया 30,000, वही डेटा ले रहे हैं, कितना 40,000 कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू वही ले ली कितनी 48,000, और ये फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है, और जो न्यू एसेट है उसकी फेयर वैल्यू कितनी हमने ली 85,000, और ये जो फेयर वैल्यू है सिनेरियो बनाने के लिए रिलायबली मेजरेबल है, सही है जी, रिलायबली मेजरेबल है। अब अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है, अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है ठीक, तो हमने यहां पे ये नहीं देखना होगा कि नया एसेट है कितने का, हमने यहां पे ये देखना होगा हमें नया एसेट पढ़ कितने का रहा है। मैं अल्फाजों को इंशाल्लाह 2-4-5 दफा रिपीट करूंगा, आपके दिमाग में बात बिठा दूंगा, फिर उसमें से फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा। अब देखें यहां पे हो क्या रहा है कि जो नेट पेमेंट की जाएगी उस एसेट को एक्वायर करने के लिए वो लेट्स सपोज 40,000 या लेट्स सपोज 42,000 की, 42 ले लिया, 45 ले लें, आप जो बोलोगे यहां पे इसको चेंज कर लेंगे। अब देखिए अगर हमारे सामने एक सिनेरियो आया जिसमें हमें फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट और एक्वायर्ड एसेट दोनों की गिवन हो और बोला हो कि भाई हम लोग एविडेंट नहीं है, जब तक ये नहीं बोला जाए एविडेंट नहीं है तो उसका मतलब रिलायबल मेजरेबल है ठीक, अगर एविडेंट नहीं है तो उसका मतलब रिलायबल मेजरेबल है। अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट की यानी कि ओल्ड और बोले न्यू की रिलायबली मेजरेबल है तो हमने यहां पे क्या करना पड़ेगा, न्यू एसेट जो हम लेके आ रहे हैं उसको कितने से डेबिट करना पड़ेगा। तो अब यहां पे जरा सवाल बना हुआ है, तो इसके लिए क्या कहता है आईएस, आईएस कहता है तुम ये नहीं देखो कि नया एसेट है कितने का, तुम ये नहीं देखो नया एसेट है कितने का, तुम ये नहीं देखो नया एसेट है कितने का। तो मैंने बोला क्या देखो, उसने बोला तुम ये देखो कि तुम्हें नया एसेट पड़ा कितने का, तुम्हें नया एसेट पड़ा कितने का। तो सर मुझे नया एसेट पड़ा कितने का ये जानने के लिए, ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा एसेट मेरे पास से जा रहा है, बेटा बात सुनो, मेरा एसेट मेरे पास से जा रहा है, आप बताइए मेरे एसेट की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो क्या चल रही है, बोलिए कितनी चल रही है, 48,000 चल रही है, सही है जी, इस वर्थ का एसेट मेरे पास से बोलिए जा रहा है, सही है जी, और तो और मैं अपने पास से उसको और क्या दे रहा हूं, बोलिए क्या दे रहा हूं, मजीद एक तो एसेट दे रहा हूं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है बोलिए 48, और तो और मेरे पास से क्या जा रहा है बोलिए 42,000 जा रहा है, क्या जा रहा है 42,000 मेरे पास से जा रहा है। यहां पे ये नहीं देखो कि नया एसेट है कितने का, यहां पे तुम ये देखो कि तुम्हें नया एसेट पढ़ कितने का रहा है, मैंने इतनी दफा बोल दिया भाई, ये नहीं देखो कि नया एसेट है कितने का, यहां पे ये देखो कि तुम्हें नया एसेट पढ़ कितने का रहा है। बाबा अब मुझे बताइए कि ये कितना बन गया जी, 90,000। एक बात सुनिए 48 क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, और यहां पे मैं भी क्या दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं या ले रहा हूं, सर ये भी हो सकता है कि मेरा एसेट जरा भारी भरकम वर्थ का था तो मैंने पुराना एसेट दिया और उससे कम वर्थ का एसेट ले रहा हूं तो उससे पैसे की मैं वसूली भी कर सकता हूं, तो पैसा दिया भी जा सकता है और पैसा लिया भी जा सकता है, तो प्लस माइनस कैश पेड भी हो सकता है और कैश बोलिए रिसीव्ड भी हो सकता है। तो ये क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ बोलिए न्यू एसेट। इधर आइएगा, केस टू क्या है, आपने ये तो सिर्फ सपोर्ट में ले रहा हूं, बाकी जितने भी इसमें मंजन है वो याद करने के हैं, लेकिन याद करने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लो ताकि फिर हम जब उसको रटें या याद करें
तो कुछ आइडिया हमारे दिमाग में। हाँ जी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज या तो नॉट गिवन और इज नॉट एविडेंट। ये सिनेरियो में मैंने अपने एंड पे ऐड की बात, मैंने ये कहा कि भाई ये सिनेरियो है, फेयर वैल्यू इतनी है, नए एसेट कितने का 85 का, मैंने कहा कि भाई मैं अपना एसेट आपको दे रहा हूं, सही है जी, और तो और मैं आपको अपनी जेब से निकाल के पैसे भी देख रहा हूं, मैंने यहां पे ये देखना होगा कि मेरे पास से जो चीज जा रही है उसकी वर्थ क्या है, मेरे पास से आउट क्या हो रहा है, ठीक है जी। एक तो पुराना एसेट जा रहा है, सही है जी, खाली एसेट नहीं जा रहा, मेरे पास से मजीद और क्या चीज आ रही है, बोलिए पैसा भी जा रहा है, तो उसका मतलब मैंने क्या बात बोली जो आपने बात अपने पास नोट करनी होगी, मैं ये नहीं देखूंगा कि नया एसेट है कितने का, मैं ये देखूंगा मुझे नया एसेट पढ़ कितने का रहा है। ये बड़े गोल्डन अल्फाज, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज नॉट गिवन, चलो भाई नहीं गिवन, या इज नॉट एविडेंट, बट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज, बोलिए, अवेलेबल, रिलायबली मेजरेबल। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, रिकग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट, बोलो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पेड और रिसीव्ड। बेसिकली मैंने आपको ये याद करवाना है, डन, ये है बेसिकली, दीज आर द रूल्स, लेकिन उन रूल्स को कनेक्ट हम किस तरह से करें, थोड़ी सी एग्जांपल्स का मैंने यहां पे सपोर्ट लिए। अब एक तीसरा केस जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे खुद बताओगे कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ द एसेट इज अवेलेबल, क्या मतलब, जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं नहीं मालूम फेयर वैल्यू, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी भी फेयर वैल्यू मालूम नहीं है, तो सर यहां पे हम क्या करें, रिकग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट, जी आपके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बुक वैल्यू तो पता होगी ना यार, सर बुक वैल्यू कैसे पता होगी, ये भी नहीं पता तो तुम कर क्या रहे हो, रिकग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट, बोलिए, बुक वैल्यू या क्या लिखेंगे, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पेड स्लैश। तीसरे सिनेरियो के लिए एग्जांपल हम चाहें तो बना लें, वहां पे बोलूंगा फेयर वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यानी कि तीसरे सिनेरियो में क्या होगा, फेयर वैल्यू नहीं पता, फेयर वैल्यू नहीं पता, ठीक, तो मैं सिचुएशन में क्या करूंगा कि जो मेरी एसेट की बुक वैल्यू होगी ना, बेटा बात सुनना इधर, कितनी होगी बुक वैल्यू, 40, कितना पैसा दे रहा हूं, 42, इसका मतलब 40 प्लस 42 कितना बन गया, 82, इसका मतलब न्यू एसेट जो मैं अपने पास डेबिट करूंगा, बेटा कितने से करूंगा, 82 से करूंगा, ये वाली बात समझ आई, तो आप देखें एक दफा रिकॉल करता हूं, उसके बाद फिर आप लोग इसको छाप लीजिए। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट एविडेंट है तो भाई किसी शख्स बात की तो जरूरत ही नहीं है, नया एसेट मुझे पढ़ कितने का रहा, जितने का वो है, और जो बेचने वाला है वो बोलता है कि भाई 85 का है, 85 में दूंगा, लेना है लो, नहीं तो आपकी मर्जी, तो फेयर जो एसेट मैं एक्वायर कर रहा हूं उसको मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, जो उस एसेट की फेयर वैल्यू। अब देखो मैं फेयर वैल्यू तो ये वैल्यू तो वो वैल्यू, जब मैं इस तरह से बोलता हूं तो आप पूरा उलझते हो, लेकिन जब वही सारी बात आपके सामने यहां पे आती है और यहां से आप राइट की तरफ देखते हो तो आप बोलते हो हाँ यार हम ट्रैक से उतर रहे थे लेकिन फिर ट्रैक पे दोबारा आ गए, तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड अगर एविडेंट है तो हम न्यू एसेट को कितने पे डेबिट करेंगे, जो फेयर वैल्यू है ऑफ न्यू एसेट।
दूसरा सिनेरियो, अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट की रिलायबली मेजरेबल है, ठीक एविडेंट नहीं है, मतलब अगर एविडेंट नहीं, एविडेंट का वर्ड मेंशन होगा तो एविडेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज रिलायबली मेजर का वर्ड अज्यूम करेंगे। और बोलते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, ठीक, तो वो कौन सिनेरियो बन जाएगा आपके पास, तीसरा बन जाएगा। अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट की रिलायबली मेजरेबल है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आप मुझे बता दो, वो जख्मी अल्फाज ये नहीं देखेंगे नया एसेट है कितने का, ये देखेंगे हम एसेट नया पड़ कितने का। डन, अच्छा जी, साथ में अगर कुछ कैश पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो प्लस माइनस करा के मुनासिब कर लेना, छाप लेंगे ये वाला पॉइंट। दोनों की फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू तो गिवन होगी, तो बुक वैल्यू में जो भी हम पैसा दे रहे होंगे वो प्लस करा देंगे, और अगर पैसा आ रहा होगा तो क्या करेंगे, माइनस करा देंगे। तो जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट से हम अपने पास उस एसेट को क्या करेंगे, बोलिए डेबिट करेंगे। तो आप इसको छाप लीजिए, एग्जाम्पल वन केस वन के सपोर्ट में लिए, एग्जाम्पल टू केस टू के सपोर्ट में। इस काम को करने के फौरन बाद हमारे पास पेज नंबर 11 पे जो एग्जाम्पल है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल स्टेरिडिक्स में भी है और पास शिपर्स की भी एग्जाम्पल है। जिन लोगों अभी थोड़े बहुत इसमें कंफ्यूजन रह गए हैं, सवाल हमारे पास प्रॉपर एक गिवन है, इसको डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। देखो बेटा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फिक्स एसेट, कैश रिसीव / पेड। अच्छा जी, जो 1.1 है ये रिसीव्ड है या पेड है, रिसीव्ड है, और पे के लिए उन्होंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, तो 3 एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, ठीक है जी, डन। अब देखिए वर्टिकली मूव कीजिएगा, एसेट गिवन अप, एसेट गिवन अप का मतलब क्या है, ओल्ड एसेट न्यू एसेट, ओल्ड एसेट, एसेट गिवन अप मतलब ओल्ड एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, बुक वैल्यू गिवन है, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू गिवन है 8.5, 6.4, 10.3, नो प्रॉब्लम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो सर कौन से मसले की बात है, कॉस्ट और बुक वैल्यू गिवन है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इग्नोर्ड ये वाला पॉइंट, इग्नोर। एसेट रिसीव जो है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 7.1। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू, आसान अल्फाज में बोल सकते हैं फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है जी। और इसी तरह से आप देख लीजिए जो दूसरा एसेट है 2.1, मतलब कैश पेड है 12.4, 7.3, 6.6, 9, और फिर इसी तरह से केस 3 नजर आ रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो बेटा, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट आर रिलायबली मेजरेबल, इसने वर्ड इस्तेमाल किया है रिलायबली मेजरेबल का, इसका मतलब एविडेंट नहीं है। डन, अब मुझे बताइए रिक्वायरमेंट क्या दे रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एट रिकग्निशन फॉर ईच अबव ट्रांजैक्शन, एट रिकग्निशन यानी कि तुम एसेट को जब अपने पास पीपीई डेबिट कराओगे तो कितने से डेबिट कराओगे। मैंने ये बात का डिस्कशन स्टार्ट किया था, उसमें क्या बोला था, हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि फायदा हुआ या नुकसान, ये भी हम देखेंगे, अभी हमारा सिर्फ मैटर क्या डिस्कशन का कि न्यू एसेट जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं कितने से डेबिट करूं, ठीक। यहां भी सवाल क्या पूछा गया, कितने से डेबिट करें। अब आप बताओ बेटा क्या करेंगे, फेयर वैल्यू दोनों की रिलायबली मेजरेबल है लेकिन एविडेंट नहीं है, तो बताएं क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इसमें प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव, तो यहां पे हो क्या रहा है, कैश पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो मुझे बताइए अमाउंट कितने क्या आएगा, कितना अमाउंट आएगा, फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 8.5, फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट कितनी 8.5, बोले माइनस 1.1, क्या जवाब आया 7.4, दिस इज द आंसर, ठीक। यानी कि पीपीई को मैं डेबिट कितने से करूंगा 7.4, क्लियर बेटा, भाइयों बहनों आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। देखो
सॉरी 1.1 को हम लोग करेंगे माइनस। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि रिसीव हो रहा है। अब देखो ना, इसने कैश रिसीव के सामने लिखा है पॉजिटिव 1.1 और जो कैश पेड है वो क्या लिखा हुआ है 2.1 नेगेटिव में। तो यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ क्या किया हमने, ओल्ड एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी की मैंने बेटा 8.5। कैश अगर हम पे करते तो प्लस कराते, यहां पे हमारे पास कैश आ रहा है। इसका मतलब हमने यहां पे ये नहीं देखा कि न्यू एसेट है कितने का, हमने यहां पे ये देखा कि हमें एसेट ये पढ़ा कितने का। आई होप सो दिमाग में बैठ गए होंगे अल्फाज। हमें एसेट पढ़ा कितने का, हमने पुराना एसेट दिया। अब अगर हम पुराना एसेट दे रहे हैं और उससे ही वसूली कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा एसेट ज्यादा वर्थ का होगा और जो उसके मुकाबले में नया एसेट जो आ रहा है उसकी वर्थ क्या होगी, कम होगी। तो हमने पुराना एसेट दिया, उसकी फेयर वैल्यू ली और हमारे पास से पैसा जा नहीं रहा, पैसा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या किया, उसमें से माइनस करा दिया। कितना अमाउंट आया बेटा, कितना आया 7.4। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू 7.4। मेरे ख्याल से बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है। केस टू देखें, 2.1 माइनस, इसका मतलब पेड है। बड़ा वाजे उसने ऊपर भी लिख दिया ना, पेड स्लैश पेड के साथ उसने ब्रैकेट बना दिया, मतलब माइनस। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन टू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव इज क्लियरली एविडेंट। ओ भाई, इतने का ही होगा, इतने से ही रिकॉर्ड होगा। ठीक, तो क्या होगा, कौन सा हो जाएगा वो, केस नंबर 1 हो जाएगा। डन। तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। रिकॉग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू, कितना हो गया 9। सेटल। तीसरी बात, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 3, फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। कोई मसला नहीं है, बुक वैल्यू तो मालूम है। ठीक है जी, कैश नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब न्यू एसेट जो आ रहा है वो कितने पे, कितने से डेबिट होगा, कितने पे रिकॉर्ड होगा, जो उस ओल्ड एसेट की क्या है बोलिए, बुक वैल्यू। अगर कुछ कैश पे कर रहे होते तो भाई ऐड कर लेते, कैश रिसीव हो रहा होता तो क्या करते, लेस कर देते। लेकिन हमारे पास चूंकि नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पेड रिसीव। लेकिन कैश पेड नहीं है, रिसीव नहीं है, तो इसका मतलब पीपी जो डेबिट होगा, यानी कि एसेट जो हम अपने पास डेबिट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जर्नल्स बनाएंगे, डेबिट कितने से होगा, 3.4। बोलिए, शाबाश, 3.4। ये हमारा सिर्फ एक एक्सचेंज का डिस्कशन था। क्या डिस्कशन था, गेन लॉस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम गेन लॉस की बात नहीं की। हमारा अगला जो एरिया शुरू होना है वो होना है कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, मतलब प्रैक्टिस का एक पूरा समंदर है बहुत ज़्यादा। और मैंने जितना भी काम कराना है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि 15 क्लास, 20 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एक काम मैं करा रहा हूँ 15 सेशन में, ठीक, या 16 या 18 सेशन में, तो यार हमारे एतराफ़ में और कराची से बाहर, ठीक, वो लोग इस एरिया को कितने टाइम में कंप्लीट करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा या बहुत कम टाइम लगाऊंगा, मुझे बेसिकली ये भी देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और एतराफ में लोग क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब जितना भी मैं काम, अच्छा एक चीज़ जो शायद आपको दूसरी जगहों पर इतने आसानी से नज़र ना आए, पास पेपर्स जितने हैं, सारे पास पेपर्स की जिम्मेदारी है, मतलब रीसेंट, मतलब पिछले 10 अटेम्प्ट के पास पेपर की जिम्मेदारी, या मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स अगर 10 साल के आ रहे हैं तो 10 साल के पास पेपर्स टोटल मैंने ही कराने। ऐसा नहीं करूंगा मैं कि यार 5-6 महीने करा दिए, बाकी यार हम एंड में वर्कशॉप कॉल करेंगे, आप उसमें आ जाना, ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम दूसरों के मुकाबले में लगेगा ज़्यादा, कॉन्टेंट कवरअप होने में जितना उनको टाइम उतना हमें टाइम, क्योंकि कॉन्टेंट है ही अगर ज़्यादा तो डंडी नहीं मार सकते। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा ना वो कहाँ पे आएगा, कि जब हम पास्ट शिपर्स में इन्वॉल्व हुए होंगे तो उसमें हमें 2-4 क्लासेस ऊपर जानी पड़ेंगी, ठीक, इस वजह से आपको टाइम लगेगा। तो एक्सचेंज, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी बात। मैंने अभी यहाँ पे स्किप क्या कराया है, सिर्फ 2 चीज़ें स्किप कराई हैं, पेज नंबर 9 पे है ना। 9 पे क्या था कि भाई एसेट को जब हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट ऐड होंगी या नहीं होंगी। जिस तरह से एसेट एक्वायर्ड के लिए बातें थी, कौन सी परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग,
तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए भी वही तीन बातें, ठीक। और दूसरी बात क्या थी उसके बाद, कि एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट पे जब आगे आने वाले सालों में खर्चा होगा, ठीक, या तो उसको आप एक्सपेंस आउट करेंगे या तो क्या करेंगे कैपिटलाइज। यानी कि 5-10 मिनट का डिस्कशन है, यानी कि पेज 9, इट विल टेक मैक्सिमम 5-10 मिनट जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस वही सारी पुरानी बात है, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और जितना काम कर लिया अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।